फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन खोवा के साथ। ये एक पॉपुलर मिठाई है, ये बहुत जल्दी बनेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये है खोवा 250 ग्राम, घी गुलाब जामुन तलने के लिए, शक्कर 2 कप, 3 पिंच बेकिंग सोडा, 1/4 कप मैदा और कुछ इलायची के दाने। अब सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाशनी। उसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी शक्कर और 3 कटोरी पानी। 3 कटोरी पानी है और 2 कटोरी शक्कर है डालकर अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ और गैस का फ्लेम मैं हाई रख रही हूँ ताकि मेरा चाशनी जल्दी बने। जब तक कि मेरा चाशनी बनेगा मैं बाकी प्रोसीजर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है। मैदे को लेके पहले मैं हाथ से इसको अच्छे से मैश करूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, मीन्स कोई दानेदार ना रहे। इसको सॉफ्ट अच्छे से कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मैदा। ये 1/4 कप है फुल। अगर आप 1/4 कप में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप स्पून से लेना। 5 स्पून मैदा है। मैदे की जगह आप 3 स्पून मैदा, 2 स्पून सूजी भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ मैदा लिया है। अब ये पिंच से अगर लोगे तो 3 पिंच बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा डालने से हमारे गुलाब जामुन काफ़ी अच्छे से फूलेंगे। अब ये चीज़ें डाल के हमें इसको हाथ से एकदम अच्छे से मलना है, जैसे हम लोग आटा रोटी के लिए गूंथते उस तरीके से। इसको हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। अगर यहाँ आवश्यकता हो तो 2 स्पून दूध डालना। अगर आपका खोवा एकदम सॉफ्ट है तो दूध की आवश्यकता नहीं है। अब दूध डाल के हमें इसको एकदम सॉफ्ट करना है। इसको आप जितना सॉफ्ट करोगे उतना ही आपके गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। दूध में डालने के बाद तेल में तलते समय फटेंगे नहीं। अब मेरा डो बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने इलायची को पाउडर बना के नहीं डाला है। इलायची को मैं खोल रही हूँ। सबसे पहले मैं मैदे का थोड़ा सा डो ली हूँ, हाथ से प्रेस कर रही हूँ और इलायची का एक दाना इसमें डाल के गोला बना रही हूँ। इससे इलायची का जो फ्लेवर है हर एक गुलाब जामुन में आएगा। जब हम खाएंगे तब इलायची का फ्लेवर भी आएगा और बहुत टेस्टी भी रहेगा और बहुत स्वादिष्ट रहेगा और खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से हमें सारे गोले बनाने हैं। अब यहाँ पर मेरा चाशनी ऑलमोस्ट बन गया है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। एक तार की चाशनी के पहले ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आप फिंगर से दबा के देखना, उस समय आपको ये चिपचिपा लगना चाहिए बस। उसके बाद मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया। मेरा चाशनी बनके रेडी है। अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। उसके लिए मैंने सबसे पहले घी डाला है कढ़ाई में। यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ तलने के लिए। आप चाहो तो ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो ऑयल आप यूज़ करते हो। उसके बाद मैं घी डाल रही हूँ। घी डाल के घी गर्म होने देती हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने उतना घी लिया है। मेरा घी गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के गोले हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, 4 या 5 बस, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और इसको धीमी आँच पर धीरे धीरे तलना है। इसको हमें ज़ोर से चम्मच से हिलाना नहीं है, एकदम हल्के से हिलाना है और गैस का फ्लेम स्लो रखना है। अगर आप पहली बार तल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आप सिर्फ 2 गोले डालना। 2 गोले डालने के बाद देखना, अगर आपके गोले तेल में फट रहे हैं, खुल रहे हैं, तो आप आटे में 2 स्पून और मैदा डालना और उसको फिर से डो बनाना और गुलाब जामुन तल लेना। अगर आपके गुलाब जामुन के गोले हार्ड बन रहे हैं तो थोड़ा सा दूध डाल के फिर से एक बार उसको सॉफ्ट डो बनाना, गोले बना के फिर फ्राई करना। अब आप देख सकते हैं धीमी आँच पर मैंने इनको फ्राई किया। ये काफ़ी अच्छे से इसमें कलर आया, ब्राउनिश हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगी। निकाल के मैं इसको डायरेक्ट चाशनी में डालूंगी। यहाँ पे चाशनी में डालते समय हमारा चाशनी गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। चाशनी हमारा कुनकुना ही रहना चाहिए। अब मैंने गुलाब जामुन डाल दिए चाशनी में। अब मैं दोबारा से गुलाब जामुन के गोले डाल रही हूँ। इसको भी सेम वैसे ही हमें धीमी आँच पर ही तलना है। धीमी आँच पर तलेंगे तो हमारे गुलाब जामुन प्रॉपरली अच्छे से फ्राई होंगे। अगर हम लोग गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउनिश हो जाएंगे और फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इनको तल रही हूँ एकदम धीमी आंच पे। यहाँ पे मैं आपको गैस का फ्लेम भी दिखा रही हूँ। मेरा गैस कंटिन्यूसली स्लो फ्लेम पर ही है जब तक कि मेरे पूरे गुलाब जामुन फ्राई नहीं हुए। और गुलाब जामुन का साइज़ हमें छोटा ही रखना है क्योंकि तलते समय ये थोड़े से फूल जाएंगे और जैसे हम लोग इसको चाशनी में डालेंगे जो भी इसका साइज़ है ये इसका डबल हो जाएगा। तो आप गुलाब जामुन जितना आपको चाहिए साइज़ उससे थोड़ा छोटा ही बनाना और उसके बाद फ्राई करना। अब आप देख सकते हैं मेरे ऑलमोस्ट सारे गुलाब जामुन बन गए हैं। मैं इसको भी निकाल रही हूँ। इसको भी निकाल के मैं डालूँगी चाशनी में। चाशनी में डालने के बाद इसको हमें 5 घंटे के लिए छोड़ देना।
5 घंटे में आपके गुलाब जामुन बनके रेडी हो जाएंगे। अब मैं इनको डाल दी हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के 5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं मेरे गुलाब जामुन बनके एकदम रेडी है। आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।